बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, हम आपको बता रहे हैं जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी राजा राम की नगरी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओरछा को राजा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने की मंजूरी दे दी गई है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खजुराहो मंदिर, भीमबेटका, सांची स्तूप पहले से ही सूची में शामिल है। यूनेस्को ने ओरछा को भी मंजूरी दे दी है। ओरछा जिसको राजा राम की नगरी कहा जाता है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने की मंजूरी मिल गई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने पीएम मोदी और सीएम को बधाई दी है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खजुराहो मंदिर, भीमबेटका, सांची स्तूप पहले से ही सूची में शामिल है, जिसके बाद अब यूनेस्को ने ओरछा को भी मंजूरी दे दी है, तो राजा राम की नगरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी अब ओरछा। आपको बता दें, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजा राम की नगरी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाएगा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने पीएम मोदी और सीएम को भी बधाई दी है। खजुराहो मंदिर, भीमबेटका और सांची स्तूप पहले से ही सूची में शामिल है। यूनेस्को ने अब ओरछा को भी मंजूरी दे दी है, ओरछा को अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया जाएगा, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव को इसके लिए बधाई भी दी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पहले से ही खजुराहो मंदिर, भीमबेटका और सांची स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पहले से शामिल किया गया है। इस सूची में अब ओरछा को भी जगह मिल गई है, ओरछा को भी अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाएगा। ओरछा को राजा राम की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ पर भगवान राम राजा के रूप में विराजमान है। आपको बता दें, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भोपाल से वर्ल्ड हेरिटेज साइट को ओरछा को अब बनाया जाएगा। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव को भी इसके लिए बधाई दी है।